हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल बहुत काम ख़राब हो गया हमारा। कल हम 6:30 बजे फीड डालकर हटे थे और लाइट चली गई, तब अंधेरा हो जाता है और लाइट पूरी रात मतलब कि बंद रही। हमारा बच्चा कम से कम सुबह 7:30 बजे तक बाद सुबह होती है, मतलब कि दिन चढ़ता है, तो बच्चा हमारा 13-14 घंटे भूखा रहा। तो फीड आप देख सकते हैं पूरी अभी भरी हुई है, यानी कि हमारा 7-8 क्विंटल जो माल बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाया। जी हाँ, तो हम एक दिन पीछे रह गए अब, और आज 132 दिन का है। तो जो हमारे मेरे पास इन्वेटर था वो ख़राब हो चुका था, मैंने ठीक नहीं करवाया। मैंने मतलब सोचा चलो चिक्स बड़ा है, लाइट कौन सी जाती है अभी, लेकिन रात को प्रॉब्लम पड़ गई, लाइट पूरी चली गई हमारे यहाँ एरिए की, और अभी तक लाइट नहीं आई हमारी। टंकी, चलो टंकी में पानी 2-3 घंटे के लिए पानी है, और जनरेटर भी हमारा किसी के पास पड़ा हुआ है, तो अभी बहुत मुश्किल हो रही थी रात को, मतलब कि लाइट नहीं आई। मैं देख रहा था लाइट आएगी आएगी, लेकिन नहीं आई, अभी तक लाइट नहीं आई हमारी। तो फीड आप देख सकते हैं अभी तक पूरे भरे हुए हैं, फीडर पूरे भरे हुए हैं, अभी ये उठकर खा रहे हैं फीड, अभी सुबह हुई है सिर्फ जस्ट। तो ये है, तो अभी चलो देखते हैं, फिर लाइट आती है तो टंकी वगैरह भरेंगे, अगर नहीं आती तो फिर जनरेटर लेकर फिर टंकियाँ भरेंगे। अभी 3-4 घंटे के लिए पानी हमारे टंकियों में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी कई इलाकों में, कई जगह पर क्या होता है, गैस के कारण, असाइटिस के कारण बच्चा मरता है, असाइटिस की प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। लेकिन मेरे फार्म में सिर्फ, जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ 2 बच्चे मरे थे असाइटिस के कारण, उसके अलावा बिल्कुल भी मेरा बच्चा नहीं मरा था असाइटिस के कारण। जी हाँ, तो असाइटिस की प्रॉब्लम बहुत गंदी प्रॉब्लम है। वो कैसे आती है, वो अमोनिया गैस से आती है। जी हाँ, जैसे हम टाइम टू टाइम पर्दे नहीं खोलते, अंदर गैस बनी रहती है, तो उसके कारण अमोनिया गैस के कारण, गंदी गैस उसे बोलते हैं, उसके कारण बच्चे के अंदर जाती है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद साउंड आ जाता है, उसके बाद साउंड के बाद CRD और कई बीमारियां आ जाती हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो जो पानी भरता है वो एक दिन में नहीं भरता पानी, पानी कम से कम उसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, उसके बाद 25-26 दिन के बाद वो फिर वो उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो मर जाते हैं पानी के कारण। जी हाँ, तो इसलिए आप गैस जितनी होती है बाहर निकालिए, पर्दे में जब पंजी लगाते हो तो पर्दे थोड़े थोड़े नीचे कर दीजिएगा, ताकि गैस सारी गंदी बाहर निकल जाए। अमोनिया गैस नीचे से आती है, नीचे से, ये ज़मीन से जैसे ये बीट होती है ना, इनसे अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस इससे बाहर आती है, तो ये नुकसानदायक है बच्चों के लिए। जी हाँ, तो बच्चों को ध्यान रखिए कि अमोनिया गैस ना बने। सबसे गंदी बीमारी अमोनिया गैस है, जो कि वो अगर असाइटिस की प्रॉब्लम आने शुरू हो जाए वो फिर लगातार आती रहती है, वो ठीक नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ता जाता है अमोनिया गैस के कारण, तो उस कारण फिर वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो फिर उसके बाद मोर्टैलिटी होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी उसकी, क्योंकि मेरे फार्म में बारिश बहुत वगैरह हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी मुझे, तो उसके कारण फिर मुझे मुश्किल हो रही थी पर्दे खोलने में, क्या करते, तो उसके कारण मेरे अमोनिया गैस बननी शुरू हो गई पहले के लाट में, साल पुरानी की बात है, एक साल पुरानी बात। तो उसके बाद मैंने ध्यान देना शुरू किया अच्छे तरीके से, तो पर्दे वगैरह खोलने शुरू कर दिए मैंने अच्छे तरीके से, तो मेरे अभी तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई, गैस मैं बढ़ने नहीं देता अभी कभी भी। जी हाँ, ओके दोस्तों, तो मिलते फिर हम अगली वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।